फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। पर अभी तो मैं बना रही हूँ भरवा टिंडे की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने टिंडों को छील लिया है और एक कटोरी में नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया को मिक्स करके मैं इनके बीच में भर रही हूँ। जब मैं ये सारे टिंडे अच्छे से, मतलब जो भी मसाला है ये सब मैं इसके अंदर भर लूँगी, उसके बाद में मैं लूँगी एक कुकर और कुकर में सारे टिंडे बिल्कुल सीधे रख दूँगी। फिर एक गिलास नाप के पानी इसमें डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फिर इसमें मैं लगा दूँगी दो सीटियाँ। फिर उसके बाद कढ़ाई गरम करूँगी, इसमें तेल डालूँगी और अच्छा खासा प्याज डालूँगी। यानी मैंने तीन प्याज लिए और तीन लिए हैं मैंने टमाटर। अब जब प्याज थोड़ा भुन जाएगा फिर मैं उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डाल दूँगी। ये सब चीज़ें बहुत हिसाब से डालनी है क्योंकि हमने टिंडों में भी हम पहले ये सारी चीज़ें ही डाल चुके हैं। अब ये हमारा जब प्याज भुन चुका है हमने इसमें टमाटर डाल दिया, और जब टमाटर भी अच्छे से हमारा भुन जाएगा उसके बाद में जो हमने टिंडे उबाल के रखे हुए हैं कुकर में वो हम इसमें पलट देंगे। और पलटने के बाद बस एक ही उबाल लाना है, बाकी तो देखो टिंडे तैयार ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। पर जैसे बस टिंडे उसमें पलटने के बाद में एक उबाल आते ही हम गैस को बंद करें, सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और टुक टुक बेबी भी आ गया है। टुक 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 टुक, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो हमारा टुक टुक बेबी, मौला प्याला अच्छे टुक टुक बेबी है। टुक टुक देखो, अच्छा टुक टुक कॉकरोच आ गया। कॉकरोच, कोको 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 दिखाओ, कोको 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 खाए कोको। ये ना कॉकरोच को बोलता कोको कोको। ये ना क्यूट है, बहुत दिन से मैंने टुक टुक बेबी के साथ कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए क्योंकि जब ये होता है ना तो पूरा ध्यान इस पर ही देना पड़ता है। मुझे डर लगता है बच्चे के साथ में कहीं मैं वीडियो बनाऊं और बच्चों, क्योंकि एक सेकंड भी बच्चे भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। आज बहुत दिन हो गए, मैंने कहा चलो टुक टुक बेबी को भी एक बार दिखा देती हूँ। बेटा प्लीज़ क्या इसको बैलून दे दो। हाँ हाँ हाँ, बैलून दे दो इसको। टुक टुक बेबी बैलून से खेल रहा है। हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे रखी। ये फ़ोटो अभी तक टंगी नहीं है क्योंकि कोई बिजली वाला मिला ही नहीं है। अभी बिजली वाले को देखेंगे। मुझे बर्तनों का स्टैंड जो है मेरा, मैं सोची जब आएगा मशीन से होएगा तो मैं सोची वो स्टैंड भी अपना लगवा ही लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब बस ये देख लो कि हम लोग उबल नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी के मारे तो भैया। पूछो मत, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई यहाँ पे? देखो ये पुराना कागज है, इसके ऊपर पूरा लिख रखा है। क्या है ये? पेपर। पेपर देखो ये पुराना वो पेपर। हाँ, बताओ। है, इस पे हम लोग अभी लिख नहीं सकते, पूरा भर चुका है वो। हाँ। तो हम लोग उसको पानी के अंदर डालते हैं और उसके बाद जब ये एक दिन बाद जब इसका पेस्ट बन जाएगा तब इसको वो जो शीट होती है कॉपी कवर करने वाली, ट्रांसपेरेंट वाली, उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और घी पूरा दबा देंगे। अच्छा। फिर उसको सूखने के लिए रख देंगे बाहर, और जब ये सूख जाएगा तब ये पेपर बन जाएगा। बिल्कुल नया तो नहीं कह सकते, थोड़ा मोटा होगा। हाँ। लेकिन लिखने लायक होगा। हाँ। तो तुम इतनी मेहनत करके रहे हो, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है पुराने पेपर नए पेपर बन जाए। ठीक है, और ये बनेगा कल, बनेगा ये? ठीक है, देखते हैं कल भी हम। मैंने आज मैगी बनाई है, और क्योंकि शाम को भूख लग रही थी और खाना नहीं खाना था, बच्चों ने बोला कि मैगी बनाओ तो मैगी बनाई है। लेकिन आज मैगी बनाई है और खाएंगे, लेकिन जो खाने का तरीका बिल्कुल अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। हम मैगी खाएंगे तो खाने के लिए हम हाथों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना हाथों को अपने यूज़ किए हुए हमें मैगी खानी है। ये देखिए, ये बाकी मेरे साथी लोग बैठे हैं, कितने अच्छे अच्छे साथी हैं मेरे, ये देख लीजिए। नन्नू भैया हेलो, नन्नू भैया कहाँ बिजी है? नन्नू भैया हमारे बहुत बिजी रहते हैं, भैया बहुत बिजी पर्सन है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, है क्या? ये दो टीम है, दो बॉयज एंड दो गर्ल, मैं भी गर्ल हूँ। तो हम लोग मैगी खाएंगे, और जो बिना हाथ लगाए पहले मैगी खा लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये नहीं कि एक घंटे तक ये चैलेंज चलेगा, सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट के अंदर अंदर हमें ये चैलेंज खत्म करना है। जिसने खत्म कर दिया वो टीम जीत जाएगी, और जिसने नहीं करी वो टीम हार जाएगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं ये हमारा चैलेंज।
तो फ्रेंड्स ये हम सबकी मैगी हमारे सामने रखी है, ये हमारे हाथ है, हमें जिनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, यूज नहीं करना है ओके okay? ओके okay. अब हमें इसको देखो, हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए यहाँ हैंड्स रख सकते हैं अपने, पता लगा तुम्हारा मुंह इस प्लेट में गिर गया हो तो ऐसे नहीं करना है। बहुत ही स्मार्टली तरीके से हमें ये मैगी फिनिश करनी है, तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। हंसना नहीं आ रहा, पूरी ईमानदारी से चलन करना है, उन सबको भी दिखेगा कि मैं कितनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। कभी जल्दी कर तो जीतेगा। ओ यार हसुमा दस का लग जाएगा, कैसे खाऊं? प्लेट को बिल्कुल नहीं टच करना है भाई। ओके तो गाइस कैसे क्या देख सकते हैं टेस्ट मैगी खाने का तरीका है। ननू प्लेट नहीं टच करनी। नहीं करी मैंने कभी। मतलब मैगी का टेस्ट भी नहीं ले पा रहे यार सही से। मेरे को खत्म होने वाला मत कर भाई। नन्नू फंस जाएगा गले में। मैं पानी लेके आई। कबीर फर्स्ट है। कबीर ज़्यादा जमी हो रहा है। ना।
थोड़ा कोई नहीं खा रहा। कबीर फिनिश कोई तो खत्म होने दो यार। नन्नू वो चलो उधर, नन्नू ठीक से उधर चलो, आराम से उधर चलो भैया, आराम से आराम से आराम से। बस क्या पानी लाऊं? पानी ला पानी, जल्दी आ जल्दी आ। अरे यार ये बहुत तेज है, इतने जान बच्चे किया ऐसे। पापा ले। अरे पानी ले बेटा आराम से। मम्मी ले ले एक बार, जरा जूम करके ना हम सबके मुंह भी दिखाना। तो ये बॉयज वाली टीम जीत चुकी है, हमारे मुंह कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज। सफेद बस ठीक, अब आराम से खा लो, वो जीत चुके हैं। अभी नहीं जीते, मेरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कबीर की हो गई है ना। चलो पनिशमेंट पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट की तो कोई बात नहीं। नया रूल, व्हाट इज द नया रूल यार? हमारा रूल है कि जो भी आ रहे हो पनिशमेंट यार। ये सब पहले पनिशमेंट का कुछ नहीं था, बस ऐसे गेम था, चैलेंज था। नहीं यार, जब चैलेंज है तो पनिशमेंट भी है। बस बस ओवर मैगी हमने खा ली है, मैगी खत्म। और हम सबके मुंह देख लीजिए, ये देखिए, ये इधर इधर दिखाओ, टुक अपना मुंह दिखाओ, ये देखो नन्नू मुंह, नन्नू का मुंह, नन्नू अपना मुंह लाओ इधर। ये गाइस दुनिया का सबसे बेकार चैलेंज है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। यस गाइस, नॉट इवन इन द मार्केट। बहुत मतलब इतना मुश्किल लग रहा था खाना। सबसे नंबर एक तो ये कि मैगी का जो प्रॉपर टेस्ट था वो हम नहीं ले पाए, कि वो बनी कैसी थी क्या है, बस खाने में लगे हुए थे। और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने पहले पानी अपने पास नहीं रखा। और तीसरी ये कि ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कुत्ते हो और हम कुत्तों की तरह से खा रहे थे, किसी ने हमारे सामने रख दिया है कि इसे खानी है। लेकिन कुल मिला के मजा आया, कुछ भी करते हैं, कैसा भी करते हैं, बहुत मजा आता है। लेने भेजा और मैं खुद तब तक खा रहा था। मैंने पहले ही बोला था नन्नू, मुझे पता था ये नन्नू भैया ऐसे ही है हमारा, इसने मैं तो जीत चुका। हाँ ये जीत चुका है वैसे। उसको देखो वो उसकी सारी खत्म। और मैं आपको हम सबकी प्लेट दिखाती हूँ किसकी कितनी बची हुई। ये जो प्लेट है ये मेरी है, ये वाली प्लेट टिया की इतनी बची हुई है, और ये कबीर की है, और ये नन्नू की प्लेट है इतनी। तो हम मेरी और टिया की ही ज्यादा बची हुई है, इसलिए हम दोनों हार चुके हैं और नन्नू और कबीर जीत चुके हैं। सॉरी, ये दो विनर हैं हमारे इस मैगी कुत्ता चैलेंज के। ये क्योंकि हमने खाई ऐसी है, क्या कर, इसका यही नाम मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। ये जी देखो कितना खुश है ये जीत के। एक तो इसका डांस, अरे वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात, मजा आ गया भाई, मौज कर दी, मौज कर दी भाई, लड़के ने मौज कर दी, क्या बात। अरे बस जी बस जी बस। फ्रेंड्स, आपको आज का ये चैलेंज, हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।